हेलो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सचिन राज और मनीषा की मम्मी अप्सरा मॉम को 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और एक बिहारी होने के नाते मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ और कुछ दो चार बातें उनके बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हैप्पी सावन। आज सावन की दूसरी सोमवारी है तो भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, यही मेरी आप लोगों भोले बाबा से यही विनती है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं अपना ये वीडियो एक ख़ास मकसद के लिए बना रही हूँ और आई होप आप लोग भी पूरी वीडियो देखी। तो फिर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सब अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अप्सरा मॉम, जो कि सचिन और मनीषा, सचिन राज और मनीषा जो कि हमारे बिहार के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी मॉम हैं, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और दूसरी बात कि मैं सचिन के पूरे फैमिली को अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो काम किया वो एक बहुत नेक काम किया। और एक मतलब मैं अंशु की बात कर रही हूँ कि एक लड़की, एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी लड़की जिसके मदर फादर नहीं है, भाई नहीं है, उसको उन्होंने अपनाया, अपनी बेटी बनाया और सारे रीति रिवाज के साथ। तो एक लड़की की शादी की, तो कहते हैं ना कन्यादान महादान होता है और इससे बड़ा कोई भी इस दुनिया में कर्म नहीं है कि आप बहुत पूजा पाठ करवा लिए, लेकिन एक अगर कन्यादान कर लिए ना तो सारे पूजा पाठ करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कन्यादान कर लिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो उन्होंने किया, उनकी पूरी फैमिली ने जो किया, मैं उनके लिए उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज के युग में भी ऐसे देखने को मिलता है। आज जब आपके ऊपर मुसीबत आती है ना तो आपके खुद के परिवार ही सबसे पहले भागते हैं कि अरे भैया कहीं ऐसा तो ना कि हमें खर्च करना पड़े। जैसे अंशु की खुद की मौसी भी नहीं आई थी। तो चलिए, मैं बहुत अच्छे से डीपली नहीं जानती, लेकिन मैं भी बिहार से हूँ और मैं भी सीवान से हूँ, तो मैं सोची कि एक बिहारी होने के नाते मैं सचिन राज और मनीषा और उनकी पूरी फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो काम किया वो बहुत नेक किया। और मैं आपको दो चार क्लिप्स भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से उन्होंने एक बेटी की शादी की और उसकी विदाई की। तो प्लीज़ आप लोग भी उन्हें, और बिना मतलब की कंट्रोवर्सी मत किया कीजिए किसी की शांत ज़िंदगी को, इस तरह से बहुत सारा नेगेटिव कमेंट्स मत किया कीजिए कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वैसे। अरे आप उनकी अच्छाइयाँ भी देखिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या कर नहीं रहे। उनकी पूरी फैमिली सीवान में इतनी अच्छी स्कूल बना रहे, बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव होती है, तो उसे छोड़िए और जो पॉजिटिव है उसको लेकर के चलिए। तो चार क्लिप्स डाल देती हूँ अपने वीडियो में और देखिए। तो मैं फिर एक बार से अप्सरा मॉम को 1K हो 1 लाख सब्सक्राइबर होने की बधाई देना चाहती हूँ। उनकी पूरी फैमिली को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। कि युग में ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को मतलब इतना अच्छे से किसी का कन्यादान करते हैं और पूरे रिश्ता उस लड़की को देते हैं। एक मायके होने का खुशी जो होता है वो उस लड़की को देते हैं। तो मैं अप्सरा, खासकर अप्सरा मॉम इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अगर माँ नहीं चाहती तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो मैं जो भी इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है कि वो ऐसे किए वो ऐसे किए, तो मैं खुद सबको बोलना चाहती हूँ कि आप खुद करके देखो। एक दो दिन अगर आपके यहाँ एक गेस्ट आता है तो आप परेशान हो जाते हैं, फिर अब उन्होंने पूरी शादी रीति रिवाज के साथ किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग देखिए कि पूरी फैमिली को, एक लड़की ने को उन्होंने पूरी फैमिली दिया, जिसमें माँ बाप भाई बहन भाभी सभी, और सभी ने बहुत प्यार से सारा फर्ज निभाया। तो आपका क्या कहना है इस मामले में, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि उन्होंने क्या किया। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा किया और हम सभी बिहारी को उन पर गर्व है। और एक यूट्यूबर होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत बधाई।